हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। कंग्रेचुलेशंस मॉमीज, अब आपको अपने बेबी से मिलने के लिए बस एक महीने का वेट और करना है। बेबी की मूवमेंट्स 8th मंथ में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। आज के वीडियो में हम 8th मंथ प्रेगनेंसी में बेबी के मूवमेंट्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के एक खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या फिर एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और यहाँ बहुत कुछ है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेबी मूवमेंट एट 8th मंथ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8th मंथ में किस टाइप की बेबी मूवमेंट्स फील होती हैं। 8th मंथ प्रेगनेंसी में बेबी के मूवमेंट पहले के मंथ्स के कंपैरिजन में बहुत अलग फील होते हैं। इसका कारण होता है कि अब बेबी यूट्रस में काफी जगह ले लेता है और बेबी ज्यादा मूव नहीं कर पाता। बेबी पहले की तरह रोल और फ्लिप नहीं कर पाता और अपनी लेग्स भी पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाता। इस वजह से आपको लगेगा कि मूवमेंट्स कुछ अलग सी हो गए हैं। 8th मंथ में मूवमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनकंफर्टेबल भी लग सकती है क्योंकि बेबी रिब्स के अगेंस्ट स्ट्रेच करता है। पर एक अच्छी बात यह है कि अब आपको बेबी की मूवमेंट्स अपने बेबी बम पर दिखाई भी दे सकती हैं। आप इस प्यारे से पल को वीडियो में जरूर कैप्चर कर लें। चलिए अब बेबीज की मूवमेंट्स से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आर देयर एनी सेट नंबर्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स फॉर एनी बेबी इन प्रेगनेंसी? सभी प्रेगनेंट मदर्स जानना चाहती हैं कि क्या बेबी की मूवमेंट्स का कोई स्पेसिफिक नंबर होता है? नहीं, बेबीज की मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर नंबर या रेंज नहीं होती क्योंकि सभी बेबीज अलग अलग होते हैं और कुछ बेबीज ज्यादा एक्टिव होते हैं तो कुछ बेबीज थोड़ा कम। बेबीज आपके खाना खाने के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। शुड आई काउंट माई बेबीज किक्स? आपको हर रोज बेबी की मूवमेंट्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेबी की मूवमेंट के पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बेबी किस टाइम ज्यादा एक्टिव होता है और कब कम एक्टिव होता है। What should I do if my baby's movements reduce or change? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बेबी की मूवमेंट कम हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बेबी की मूवमेंट से बेबी की वेलबींग के बारे में पता चल जाता है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि बेबी की मूवमेंट कम हो गई है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बेबीज डेवलपमेंट एट 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और एट 32 वीक्स। चलिए अब 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिसेस। 8th मंथ में बेबी रियल लाइफ प्रैक्टिसेस जैसे सक करना, ब्रीदिंग और स्वॉलो करने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड। अब बेबी के ज्यादातर सभी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल करता है ताकि वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर पाए और लंग्स को यूज करना स्टार्ट कर दे। स्किन चेंजेस। 8th मंथ या 32 वीक्स पर बेबी की स्किन अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहती और ओपेक हो जाती है। लेंथ एंड वेट। अब तक आपका बेबी लगभग 2 से 4 पाउंड्स का हो जाता है और बेबी की लेंथ अबाउट 15 to 17 इंचेस के बराबर हो जाती है। प्रेपिंग फॉर बर्थ। 8th मंथ पर बेबी बर्थ के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है और सभी एक्टिविटीज जैसे ब्रीदिंग, सकिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अब डेवलप हो जाता है। फीटल पोजीशनिंग। 32 से 38 वीक के बीच में बेबी का हेड नीचे आ जाता है क्योंकि वो बर्थ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। कभी कभी बच्चे ब्रीच पोजीशन यानी कि हेड अप पोजीशन में भी होते हैं, पर बेबीज कभी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्लीप साइकिल। अब बेबी की सोने और जागने की रेगुलर साइकिल्स होती हैं और बेबीज एक बार में 40 से 60 मिनट का नैप लेते हैं। आज के वीडियो में हमने 8th मंथ में बेबी के मूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स के बारे में सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।